ಸಭೆಯಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಪರ್ ಆಕಿ ಪೂಜ ಹಮಾರೆ ತಮಾಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ನೇತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ ಕಲ್ ಜಿಸ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ಹಮ ಲೋಗೋ ಕೋ ಖಬರ್ ಮಿಲಾ ಕಿ ಹಮ ಲೋಗೋ ಕಾ ಬ್ಯಾನರ್ ಹೋಲಿ ಫೈಶನ್ ತೋಲ್ ದಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಇಸ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಆಪ್ ಮೈ ಘಟನೆ ಬತಾನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ ಕಿ ಸುಬಹ ಹಮಾರೆ ಇಲಾಕೆ ಮೇ ಬಾಬಿ ಹಬೀಬ್ ಕಾ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥಾ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಜಬ್ ವೋ ಜಾನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ದೇಖಾ ಕಿ ಇಲಾಕೆ ಮೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾ ಇತ್ನಾ ಝಂಡಾ ಫೈಶನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಲಗಾ ಹುವಾ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕೋ पुलिस को लेकर के खुलाया गया। हमारे थाना के भी कुछ अधिकारी गए थे और एसएन कमिश्नर के भी भाई लोग आए। जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो हम लोगों ने टीएमसी का भी खुलवाया गया सरकारी जगह में। हम लोगों का खोला जाएगा तो हम लोगों की पहले भी यहाँ पर एक परिवार था, सब परिवार उसको पता चल गया है कि इतना ज्यादा आप लोग दलाली बन गई है, क्योंकि 2 मई के बाद यहाँ पर हम लोगों का सरकार नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जो है इकबालपुर थाना के सामने में है। कलकत्ता पोर्ट कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद मुख्तार का बैनर फाड़ देने की वजह से 78 नंबर वार्ड खिदीरपुर है वो थाने के अंदर में गए हैं कंप्लेंट करने के लिए। चलिए आप देखते हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, बात करने के बाद किस किस्म की बातें आती है। इकबालपुर थाने के जो घेराव किए हुए हैं इसलिए कि उनका जो है झंडा को फाड़ दिया गया है, बैनर को फाड़ दिया गया है, टीएमसी पार्टी के ऊपर है। अभी हमारे सामने में कांग्रेस के लीडर तबरेज साहब है, नॉमिनेशन जमा करने के बाद डायरेक्ट इकबालपुर थाना के घराव में घराव करने के क्यों आ गए, किस लिए आ गए, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा है कि कल रात अचानक हमें मालूम हुआ कि रात के 10:30 बजे हमारा कम से कम 80 होर्डिंग बैनर सबको फाड़ फाड़ के फेंका जा रहा है, गाड़ी में लोड करके फेंक दिया जा रहा है। बाद में हमने पता किया काम कौन कर रहा है, शक नहीं, नियामुद्दीन शम्स है, शकील है जो टीएमसी का युवा प्रेसिडेंट है जी। और कुछ क्रिमिनल्स इन लोगों को लेकर नियामुद्दीन शम्स लीड कर रहा था और खुद ही एक तरफ नियामुद्दीन शम्स का भाई को टीएमसी टिकट नहीं दे रहा है।
बहुत ही परेशान है। हमारा होर्डिंग और बैनर लगाना इसलिए हमको डर हो गया है कि इस बार फिर से वाली यकीन हार रहा है। जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? अरे पूरा समर्थन के कारण हमने जीतेगा फिर से अब यकीन हारे। सैलाब उठा हुआ है पूरा किसी और ऐसा सैलाब है कि हमारा जीत आज पक्का है। ये हार हार रहे हैं इसीलिए एक चीज कल हम आएगा कांग्रेस पार्टी का झंडा तो देखा है पूरे यकीन है कि हमारे पार्टी जीत रही है और अच्छे बहुमत से जीतेगी। भाई मोहम्मद मुख्तार जीत रहा है ये अच्छे बहुमत से जीतेगा। हमारे जितने कारकुन यहाँ है जितने लीडर है तमाम लोग उम्मीद है कि हम जीत रहे हैं और जीतेंगे अच्छे वोट भी जीतेंगे। हमारे यकीन साहब हार तेरे सामने में और भी कुछ लोग हैं हम लोग उनसे भी बातें।